सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। से यहाँ पे आज हम बात करेंगे टॉप 5 बजट फ्रेंडली वाईफाई 6 राउटर्स की, जो आप इस समय बाय कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा गाइड भी करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है जब आप एक वाईफाई 6 राउटर ले रहे हो। तो यहाँ पे आप बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें वाईफाई 6 राउटर्स की बात करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। अभी तक वाईफाई 5 राउटर भी तो बहुत बढ़िया करके चल रहे थे, हम सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो अब वाईफाई 6 क्यों लें। तो यहाँ पे अब जितने भी नए मोबाइल आ रहे हैं, नए लैपटॉप आ रहे हैं, तो उनमें आपको वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। सो अगर आपको पूरा यूटिलाइज करना है उस टेक्नोलॉजी का, तो आपका राउटर भी यहाँ पे वाईफाई 6 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमें वाईफाई 6 राउटर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपको वाईफाई 6 राउटर नहीं लेना है, तो यहाँ पे हमने एक सिंगल बैंड वाईफाई 5 राउटर की वीडियो बनाई है, जो कि आपको 1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। आपके सामने वीडियो आ जाएगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको ड्यूल बैंड राउटर लेना है वाईफाई 5, तो उसकी भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी काफ़ी बढ़िया राउटर है बजट में। तो अगर आपको वो लेना है तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको वाईफाई 6 की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, अगर आपको ओवरऑल वो चीज़ देखनी है कि कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आई है वाईफाई 6 के साथ, तो उसकी भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है इससे पहले, ताकि आपको पूरा पता हो कि आपको इन राउटर्स में जो बेसिक चीज़ें एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप राउटर्स की एडवर्टाइजमेंट देखोगे, तो यहाँ पे एक ही चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में करी है कि वाईफाई 6 में आपको क्या क्या चीज़ें एडवांस देखने को मिलेंगी वाईफाई 5 से। तो आप पहले वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, तभी यहाँ पे आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि वाईफाई 6 राउटर में यहाँ पे क्यों लूँ। तो यहाँ पे अगर आपने वाईफाई 6 राउटर का मन बना ही लिया है, तो सबसे पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़े महंगे होते हैं। आजकल सेल चल रही है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे सेल चल रही है, तब इनके प्राइस यहाँ पे 500 से 1000 रुपये आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस समय बाय करोगे तो आप काफ़ी फायदे में रहोगे। बट अगर आप यहाँ पे इन्हें नॉर्मल डेज में लोगे, आप अगर सेल में नहीं लोगे अमेजोन की, तो यहाँ पे आपको ये थोड़े महंगे देखने को मिलेंगे। आपको जैसे मैंने बताया, वाईफाई 5 राउटर्स आपको 2500 के मिल जाते हैं, ये आपको कुछ 4000, 4500 से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं ये राउटर्स। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक और क्वेश्चन भी आएगा कि मैंने तो वाईफाई 6 राउटर्स यहाँ पे 10, 12, 13, 15, 20 हज़ार के भी देखे हैं, तो जो मैं ये लूँगा और उनमें यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा। सो गाइज, यहाँ पे डिफरेंस जो होते हैं ना, वो जैसे आप महंगे राउटर देखोगे वो गेमिंग सेंट्रिक होते हैं, उनमें आपको एंटीवायरस देखने को मिलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पे ये सारे चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलते हैं। जो महंगे महंगे राउटर होते हैं उनमें इतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर डले होते हैं कि वो एक चलता फिरता खुद ही एक पीसी होते हैं। चलता फिरता तो नहीं होते, बट वो एक पीसी की तरह काम इतना, बट यहाँ पे वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो पीसी की तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी उसी चीज़ का यहाँ पे चार्ज देती है। बट एक आप नॉर्मल यूज़र हो, तो आपके लिए ये वाईफाई 6 राउटर भी काफ़ी बढ़िया रहेंगे। आप इनमें भी वाईफाई 6 के जो नए नए फीचर्स हैं उनका यहाँ पे मज़ा ले पाओगे। और यहाँ पे लोगों को एक और भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि अगर हम महंगा राउटर लेंगे, सपोज़ वो 2500 का ले रहे थे पहले, अब वो 4000 का लेंगे मेरे कहने पे, तो वो सोचेंगे कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज देखने को मिलेगी। एक्चुअली वाईफाई की रेंज आपको मोर और लेस सेम ही देखने को मिलती है। इसलिए अगर ये मत सोचना कि अगर आप पैसे खर्चोगे एक्स्ट्रा, तो आपको बहुत ज़्यादा रेंज देखने को मिलेगी। यहाँ स्पीड देखने को मिलेगी आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि वाईफाई 6 की बात हो रही है, बट यहाँ पे रेंज आपको उतनी ही देखने को मिलेगी। अगर आपको रेंज एक्सपेंड करनी है, अगर आपके वाईफाई राउटर एक राउटर से काम नहीं चल रहा है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट मेथड यहाँ पे ट्राई करने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है कि आप 2 राउटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने वाईफाई की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वीडियो है, अगर आपको वो देखने, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ अगर आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो वाईफाई राउटर्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उनकी। सो अब यहाँ पे बहुत हो गई बातें, अब यहाँ पे बात करते हैं अपने राउटर की लिस्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्कोसिस MR70X। अब यहाँ पे सबसे पहले इस राउटर की करंट प्राइस की बात करते हैं, ये है 3299 का। अब ये यहाँ पे सबसे बढ़िया राउटर लगा मुझे, जो कि आपको सबसे सस्ते में वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे इस राउटर की जो करंट प्राइस है, ये ऑल टाइम लो चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम एक यहाँ पे एक्सटेंशन यूज करते हैं क्रोम का, जिसे बोलते हैं केपा। अब यहाँ पे ये बताता है आपके प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मंथ में यहाँ इसका जो मैक्सिमम प्राइस गया था वो गया था 3999, और यहाँ पे जो अभी जो करंट प्राइस का मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 3299। तो यहाँ पे आपको 700 रुपये यहाँ पे सस्ता देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसे अभी बाय करोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पे इस राउटर की थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें, तो अगर आप 5 GHz बैंड को यहाँ पे यूज़ करोगे, तो यहाँ पे स्पीड आपको देखने को मिलेगी 1201 Mbps की। और यहाँ पे अगर आप 2.4 GHz का बैंड यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलेगी 547 Mbps की। और यहाँ पे आपको 3 GB LAN पोर्ट देखने को मिल जाएंगे और एक WAN पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप इस बात की टेंशन मत लेना कि इसमें गीगाबिट पोर्ट होगा या नहीं होगा। ये जब हम ड्यूल बैंड राउटर देखते थे वाईफाई 5 के टाइम पे, तब यहाँ पे बहुत टेंशन थी। हमने बहुत एक्सप्लेन किया था कि आपके राउटर में जब अगर आप पोर्ट देखोगे, तो वो गीगाबिट पोर्ट होना चाहिए। अगर आप गीगाबिट पोर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको अच्छी स्पीड देखने को नहीं मिलेगी।
सो यहाँ पे वाईफाई 6 में एक अच्छी बात है कि आपके सभी राउटर्स में आपको गीगाबिट पोर्ट देखने को मिलता है, चाहे वो लैन हो चाहे वो वैन हो, जितने भी पोर्ट होंगे वो गीगाबिट पोर्ट होंगे। और यहाँ पे इस राउटर में आपको 4 एंटीनास देखने को मिल जाएंगे, एक्सेस पॉइंट मोड देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इसकी कवरेज भी काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे आपको इसमें 3 साल की वारंटी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये अगर आप बजट सेगमेंट में कोई राउटर देखने की सोच रहे थे वाईफाई 6, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे अपने सेकंड राउटर की बात करते हैं जो कि मर्कुसिस का ही है, उसका नाम है मर्कुसिस MR80X। सो यहाँ पे जो उसका करंट प्राइस चल रहा है वो है 3899, बट यहाँ पे जो नॉर्मल दिनों में आपको देखने को मिलता है 4499 का। अब यहाँ पे ये दोनों जो राउटर मैंने आपको बताया मर्कुसिस के, काफ़ी सिमिलर हैं। सो यहाँ पे आप सोचोगे इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि कंपनी ने इसमें ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर डाला है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। अगर आप 5 GHz बैंड यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको डबल स्पीड देखने को मिलेगी, 2402 Mbps की स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे अगर आप यूज़ करोगे 2.4 GHz, तो यहाँ पे आपको सेम स्पीड देखने को मिलेगी 547 Mbps की। और यहाँ पे सेम आपको 3 LAN पोर्ट और 1 WAN पोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सारे गीगाबिट पोर्ट होंगे, और यहाँ पे इस ऑर्डर में आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। सो इन दोनों को कंक्लूड कर देते हैं, अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो तो मैं बोलूँगा आप सस्ता वाला राउटर पिक करना, क्योंकि वहाँ पे आपको डबल स्पीड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए और आप अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो आप ये वाला राउटर ले सकते हो, बाकी आपका काम आपके सस्ते वाले में भी चल पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट राउटर की। सो अब यहाँ पे बात करते हैं TP-Link के राउटर्स की। तो यहाँ पे TP-Link एक बहुत ही फेमस नाम है अगर आप राउटर लेने जा रहे हो वाईफाई 6 का, वो भी अगर आप बजट में ले रहे हो। तो यहाँ पर इसके भी हम दो राउटर्स की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं TP-Link Archer AX10 की। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं राउटर की करंट प्राइसिंग की। तो ये पड़ रहा है आपको 3998 का, और इसकी जो जनरल प्राइस चलती है, जो एवरेज बिकता है, ये बिकता है आपको 4599 का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे अप्रॉक्स 600 रुपये का यहाँ पे फायदा हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1062 डेज से यहाँ पे अवेलेबल है अमेजोन पे, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाईफाई 6 राउटर है। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी स्टेबल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम इसकी और फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 LAN पोर्ट और 1 WAN पोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो सारे गीगाबिट पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे ये एलेक्सा को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे TP-Link ने कहीं भी मेंशन नहीं किया इसकी स्पीड कितनी मिलेगी एग्जैक्ट, जैसे मर्कुसिस ने किया था कि आपको 2.4 GHz में कितने मिलेगी, 5 GHz में कितने मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम स्पीड लिखी है कि आपको यहाँ पे 1500 Mbps की स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे इस राउटर में भी आपको एक्सेस पॉइंट मोड देखने को मिल जाएगा, इसमें भी आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपको एक स्टेबल वाईफाई राउटर चाहिए अच्छे ब्रांड का बजट में वाईफाई 6, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे अगले राउटर की बात करते हैं। अब यहाँ पे इस राउटर का नाम है TP-Link Archer AX50। अब यहाँ पे यूजुअली इसकी प्राइस देखें तो ये आपको 8000 के आसपास पड़ता है, बट यहाँ पे इस समय ये करंट प्राइस जो दिखा रहा है वो है यहाँ पे 5758। यहाँ भी आप देख सकते हो अमेजोन पे, यहाँ पे इसकी प्राइस इतनी चल रही है। सो अगर आप इस समय लोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहोगे। और इस राउटर में आपको सबसे बड़ी बात, जो और राउटर में आपको देखने को नहीं मिल रही थी, इसमें आपको USB पोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि USB पोर्ट यहाँ पे किस काम आता है। यहाँ पे आप अपने हार्ड डिस्क लगा सकते हो और उस हार्ड डिस्क को आप एज ए क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे USB स्टोरेज उस काम आता है। तो यहाँ पे अगर आपको वो नीड है तो यहाँ पे लिए राउटर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे इस राउटर में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, स्पीड जैसे मैंने पहले बताया मेंशन नहीं की थी, इन्होंने बोला है कि इसमें आपको 5 GHz बैंड से आपको यहाँ पे 2402 Mbps की स्पीड देखने में यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ अगर आपको हाई स्पीड की ज़रूरत है तो ये राउटर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रह सकता है। बट अगर आपको ये 8000 रुपये में मिलेगा तब ये मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपके ऑब्वियसली ये अलग सेगमेंट में चलाता है, हम बजट राउटर के यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपको ये 5000 की रेंज में मिल रहा है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, आप इस डील को ले सकते हो। और यहाँ पे TP-Link ने काफ़ी तगड़ी चीज़ मेंशन की है इस राउटर के बारे में कि इसमें आप 256 डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। सो घर में तो कोई इतने कनेक्ट नहीं करेगा, बट आप एक स्मॉल ऑफिस बना रहे हो, स्मॉल का थोड़ा एक लार्ज स्केल में ऑफिस बना रहे हो, तो ये राउटर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा कि यहाँ पे आपके सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ वाईफाई में कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके ऑफिस में स्मार्ट डिवाइसेज हैं तो वो भी एकदम सीमलेसली यहाँ पे सारी एक साथ कनेक्ट हो सकती हैं वाईफाई राउटर में। सो गाइस यहाँ पे यही था, इस प्राइस में काफ़ी तगड़ी डील है 5758 में। सो अगर आपको अभी लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी अगर आप इसके प्राइस देखोगे तो 8000 रुपये है नॉर्मल डेज में, तो यहाँ पे तब आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तब यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है इस राउटर की, इतनी आपको डिवाइस कनेक्ट करने हैं, इतनी स्पीड की ज़रूरत है और एक स्टेबल कंपनी चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप इसे पिक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको TP-Link की एक और बात बताता हूँ, TP-Link का जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो काफ़ी तगड़ा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्रोडक्ट में तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो, ये काफ़ी जल्दी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे कर भी देते हैं। हमारे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट था हमारा ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह रिस्पॉन्स किया और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया था। सो यहाँ पे अगर आप इन TP-Link राउटर्स में एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सर्विस भी यहाँ पे मिल रही है।
अब यहाँ पे अपने लिस्ट के लास्ट राउटर की बात करते हैं, ये है D-Link R15। अब यहाँ पे TP-Link और D-Link का नाम सेम है बट यहाँ पे दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप इसकी प्राइसिंग देखोगे तो आपको ये सबसे सस्ता देखने को मिल रहा है सारे राउटर उसमें से। ये आपको अभी करंट प्राइस की चल रही है 2689 रुपीज़, और ये आपको जनरली देखने को मिलता है यहाँ पे 3240 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इसे नॉर्मल प्राइस में भी लोगे तो ये मर्कुसिस के राउटर से फिर भी यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइजेस तो देखो करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस इतना कम देखने को मिल रहा है, ये आपको वाईफाई 5 की रेंज में आपको वाईफाई 6 राउटर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे अगर आपको वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी का मज़ा लेना है तो यहाँ पे आप इसे ले सकते हो। अब कॉम्प्रोमाइजेस क्या है, अगर आप इसके रिव्यू भी पढ़ोगे अमेज़ॉन पे, तो यहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट की है कि इसमें स्टेबल कनेक्शन देखने को नहीं मिलता, इनकी जो ऐप है वो थोड़ी बगी है। तो यहाँ पे छोटे मोटे यहाँ पे आपको एक फिनिश प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता, ये कॉम्प्रोमाइज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो या तो आप वाईफाई 5 वाला राउटर लो और खुश रहो, और आपको वाईफाई 6 लेना है और एकदम बजट एकदम टाइट है तो आप ये ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इसका अमेज़ॉन पे पेज देखोगे तो यहाँ पे बहुत फैंसी पेज है इसका। अगर आप नाम ही पढ़ोगे, अगर पूरा नाम पढ़ता हूँ इसका, D-Link R15 AX 1500 Eagle Pro AI Dual Band Smart Router। AI मतलब AI टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये। तो इन्होंने क्लेम किया कि AI की मदद से ये थोड़ा कनेक्शन स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे आप इस गिमिक में मत फंसना, कुछ भी इतना खास नहीं होता। अगर आप इसके लैन पोर्ट की बात करोगे तो 2 LAN पोर्ट और 1 WAN पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम बेसिक सा राउटर है ये। इसमें भी आपको 3 साल की वारंटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे इसमें भी आपको गूगल असिस्टेंट और यहाँ पे एलेक्सा का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इस राउटर के बारे में इतना ही था। अब ऐसी बात नहीं कि कोई बहुत ही बुरा राउटर है ये, जितना आप प्राइस पे कर रहे हो उतना आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इसे कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में आपको थोड़ी सिंपल सी टिप देना चाहता हूँ। सपोज आपको वाईफाई 6 राउटर जो मैंने बताया वो पसंद नहीं आए, आपने सोचा कि मैं खुद रिसर्च करता हूँ, तो अगर आपको जानना है कि जो आप राउटर देख रहे हो वाईफाई 5 है कि वाईफाई 6 है, तो सिंपल सा तरीका है, राउटर के नाम के आगे AC लगा है तो वाईफाई 5 है, AX लगा है तो वाईफाई 6 है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, जो वाईफाई 6 राउटर मैंने आपको बताया, इनकी मैंने ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको नहीं बताई, जो भी आप फीचर्स थे जो अमेज़न पेज बता रहे थे वो इसलिए नहीं बताया, जैसे मैंने बताया आपको वाईफाई 6 की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो जो सारे फीचर्स उस वीडियो में मैंने बताए हैं वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी इसमें है तो वो सारे फीचर्स भी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात थी। तो अगर आपको ये राउटर पसंद आए तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, पसंद आए तो बाय भी कर सकते हो। छोटा सा कमीशन हमारे चैनल को मिल जाएगा, जिससे हमारे चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक करना, आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।